हेलो दोस्तों, एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। डॉल्स या टॉयज से तो आप सभी बचपन में खेले होंगे। आपने कई भूतिया या शापित डॉल्स की कहानी और किस्से भी सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी डॉल के बारे में बताएंगे जिससे बच्चे नहीं सिर्फ बड़े लोग खेलते हैं, और मजे के लिए नहीं बल्कि अपनी सुख शांति के लिए या दूसरों की बर्बादी के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं इस डॉल के बारे में। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी भूतिया डॉल्स हैं, उन सब के पीछे एक रहस्यमय कहानी जरूर है जिससे वो शापित बन जाती है, और जो भी उन डॉल्स के संपर्क में आता है उसका बुरा समय स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये वुडू डॉल ऐसी बिल्कुल नहीं है। ना तो ये भूतिया है और ना इनके पीछे कोई रहस्यमय कहानी। कोई भी व्यक्ति इस डॉल को बना सकता है और जैसे मर्जी चाहे उसे यूज कर सकता है। इसका इस्तेमाल अक्सर काला जादू के लिए किया जाता है, जिससे दूसरों पर जादू करके उनको बर्बाद करा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वुडू शब्द की। वुडू एक धार्मिक प्रथा है जिसमें जादू टोने का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि वुडू के जरिए आप अपने जानने वाले लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं और अपने काबू में भी कर सकते हैं। इंडिया में इस प्रथा का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में काफी फेमस है ये प्रथा। इंडियन कल्चर और वुडू में भी कई समानता है। जैसे वुडू के लोवा गेड़े को यमराज जैसे माना जाता है, लोवा पापा लैगबा को गणेश जी की तरह। वुडू में भी डेमीगॉड को माना जाता है। डेमीगॉड यानी भगवान का वंशज, जिन्हें भगवान जैसे दर्जा दिया जाता है। वुडू एक ओरिजिनल धर्म नहीं है, ये दो रिलीजन का मिक्स है। ये क्रिश्चियनिटी और अफ्रीका के योरुबा धर्म से बना था। जब अफ्रीकन्स को गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया था तो उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था, और धीरे धीरे दोनों धर्म जुड़ते गए और वुडू का जन्म हुआ। इसमें पहले काला जादू जैसी प्रैक्टिस का इस्तेमाल नहीं होता था। प्राचीन अफ्रीकन धर्म में काला जादू होता था और वुडू में भी इसको शामिल कर लिया गया। इसमें जादू का सबसे कॉमन तरीका होता है डॉल्स के जरिए, तो इन्हें वुडू डॉल्स का ही नाम दे दिया गया। ये प्रक्रिया अक्सर एक व्यवसायी के द्वारा ही की जाती है और खास परिस्थिति में ही, लेकिन आम लोग भी खुद ट्राई करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो अब जानते हैं कि ये जादू कैसे किया जाता है। सबसे पहले हाथ से बनाई कपड़े की डॉल की जरूरत होती है, फिर उस पर जादू टोना किया जाता है। मूवीज में अक्सर इसको काफी बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन असल में सिर्फ एक्सपर्ट ही इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। माना जाता है इन डॉल्स के जरिए दूसरे व्यक्ति को दर्द दिया जा सकता है, और तो और उसकी जान भी ली जा सकती है। कई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है वुडू डॉल मैजिक के लिए। पहली, हाथ की बनाई कपड़े की डॉल जिसकी प्रॉपर ह्यूमन शेप हो। दूसरी होती है उस इंसान के शरीर का हिस्सा जिस पर जादू करना हो, जैसे बाल, स्किन, नाखून या कोई भी छोटा सा हिस्सा। फिर उन सब के जरिए एक एक्सपर्ट ही जादू टोना करता है, और वो भी एक प्रॉपर तरीके से। माना जाता है अगर प्रक्रिया गलत तरीके से की जाए या कोई भूल चूक हो जाए तो वो जादू उल्टा पड़ जाता है। इंडिया में भी ऐसा काला जादू करवाया जाता है जिससे आप वाकिफ होंगे। यहाँ तांत्रिक के जरिए दूसरों पर जादू करवाया जाता है उनको बर्बाद करने के लिए। वुडू में भी ऐसा ही होता है, लेकिन बस एक डॉल के जरिए। कहते हैं अगर डॉल को विक्टिम के जैसा मिलता जुलता बनाया जाए तो जादू का असर और शक्तिशाली होता है। जैसे अगर किसी के काले बाल हैं और अक्सर कोट पैंट पहनता है तो वैसी डॉल बनाने से इफेक्ट ज्यादा होगा। अब बताते हैं आपको इन पिंस के बारे में। आखिर ये पिंस क्यों लगाई जाती है इन डॉल्स पर। दोस्तों, जादू टोने के बाद डॉल्स पर जगह जगह पिंस लगाई जाती है, और जहां पर पिन लगती है व्यक्ति को अपने शरीर में उसी जगह दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है। ऊपर से कोई घाव या चोट नहीं दिखती, लेकिन शरीर में दर्द होने लगती है। अगर एक ही जगह पिंस को लगाया जाए तो वो शरीर का हिस्सा पैरालाइज करा जा सकता है। जैसे हार्ट में पिन घुसाई जाए तो व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है या हार्ट अटैक आ सकता है। सबसे खौफनाक होता है डॉल को मोड़ कर तोड़ देना, जिससे व्यक्ति की जान ली जा सकती है। कहते हैं जान लेने की प्रक्रिया सिर्फ वो ही कर सकते हैं जिन्होंने वुडू धर्म में बहुत साधना की हो और बहुत ज्ञानी हो। माना जाता है अगर किसी को अचानक से शारीरिक तकलीफ होने लगे तो मतलब उस पर जादू टोना करवाया जा रहा है। वैसे तो इनका यूज नेगेटिव पर्पसेस के लिए ही होता है, लेकिन इतना ही नहीं, इनको अपनी सुख शांति के लिए भी लोग यूज करते हैं। उसके लिए एक सिंपल डॉल बनाई जाती है, उस पर कलर्ड पिंस लगाते हैं। मोस्टली 7 रंग की पिंस का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जीज के लिए।
रेड पेन यूज होती है पावर के लिए, ब्लैक होती है नेगेटिव एनर्जीज दूर रखने के लिए, व्हाइट होती है पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, पर्पल होती है स्पिरिचुअलिटी के लिए, ब्लू होती है प्यार के लिए, ग्रीन धन दौलत के लिए और येलो सक्सेस के लिए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में वुडू डॉल के बारे में जाना। अब बारी आती है कुछ भूतिया डॉल्स के बारे में जानने की। हमारी सारी हॉन्टेड डॉल्स की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखें। और आप सभी लोगों के लिए एक सवाल, क्या आप वुडू डॉल्स या काला जादू में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जहां आपको रेगुलर मिस्टीरियस फैक्ट्स मिलते रहेंगे। हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।